तुंगनाथ टेम्पल, अभी इसके कपाट बंद हैं, अप्रैल मई में खुलेगा। वो सामने चंद्रशिला पीक है, वहाँ जाना है। अभी काफ़ी टफ है, तुंगनाथ के बाद 1-2 किलोमीटर का काफ़ी स्टीप है, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, कल बर्फ़ हुई है तो स्लिपरी भी बहुत है। अभी धूप हो रही है तो और स्लिपरी हो रही है। ये बस फाइनल स्ट्रेच है चंद्रशिला तक जाने का। और आप ही ऊपर बस एक ग्रुप गया है अभी यहाँ से इंडिया हाइक्स का, 22 लोगों का, और 5-6 लोग और वापस नीचे गए हैं। अब खाली हम ही लोग हैं, हम 2-3 लोग, ये 2 लोग साथ में मिल गए थे, बाकी इनका ग्रुप नीचे तुंगनाथ टेम्पल पे रह गया, हम ऊपर जा रहे हैं। ये सही रास्ता है, सांस चढ़ गया। सुबह 6:15 के निकले हुए हैं, अभी 10 बज गए, 4 घंटे हो गया है चढ़े हुए। और जो मज़ा है, ठंडी हवा और सामने जो व्यू है, बहुत ही कमाल का है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, सीधा सीधा चलते जाओ। ये पहुंच गए हम चंद्रशिला टॉप पे, 14,700 फीट, और क्या बढ़िया व्यू है यहाँ से। अभी ऋषिकेश भाई बताएंगे चंद्रशिला जहाँ पे हम खड़े हैं उनका क्या महत्व है। ऋषिकेश में हाईएस्ट पीक पे चंद्रशिला पे, और यहाँ की मान्यता ये है कि चंद्रमा जी ने, जब राजा दक्ष थे ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने यही उनकी जो कन्या थी उनके साथ चंद्रमा जी ने विवाह किया था, उसकी वजह से उन्हें श्राप मिला था यहाँ पे, और क्षय रोग का श्राप मिला था उन्हें। तो यहाँ पे चंद्रमा जी ने आके तपस्या की और उससे मुक्ति पाई, तो इसके लिए इसे चंद्रशिला भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्र भगवान ने यहाँ पे आके तपस्या की है, और इसलिए ये बहुत, आप देख सकते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है ये। यहाँ से पीछे आपको पूरे हिमालय की घाटी दिखती रहेगी, पर्वत दिखते रहेंगे, और आपके सामने नजारा। जो हम सभी लोग साथ में थे तो हो गया ये ट्रैक, बट बहुत मजा आया। अभी एकदम पीक पे हैं, थोड़ा 5 मिनट और रुकेंगे, पानी वानी बिस्कुट खा के फिर वापस निकलेंगे और बैक टू चोपता। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति, और हर तरफ पहाड़ी पहाड़ हिमालय के, ये पीछे भी आप देख सकते होंगे, और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। आपने अगर बेसिक ट्रैक करना है, बिगिनर्स ट्रैक, तो चोपता चंद्रशिला आता है, या केदारकंठा। मैंने केदारकंठा भी किया हुआ है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ है चोपता चंद्रशिला से। ये लास्ट स्ट्रेच इसका थोड़ा मुश्किल था, मुझे लगा शायद क्रैम्पॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, पर ऐसा जरूरत नहीं पड़ी, मैनेज हो गया। अब वापस जाते हुए देखते हैं, क्योंकि कल नई फ्रेश बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, तो शायद अभी धूप होने से सब स्लिपरी हो जाएगा, तो देखते हैं, हर हर महादेव की कृपा से पहुँचेंगे नीचे। सी यू, बाय फ्रॉम चंद्रशिला। दिस इज़, वी आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम चंद्रशिला टू तुंगनाथ, तुंगनाथ बैक टू चोपता। अभी देख रहा हूँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट काफ़ी लोगों ने कोई गियर नहीं पहने हैं, ऐसे नॉर्मल जूते पहन के आ गए हैं, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी स्लिपरी है, एटलीस्ट तुंगनाथ टू चंद्रशिला का, और नॉर्मल अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहन के तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अगर ट्रैकिंग शूज़ हैं तभी जाना ऊपर। लोग सोचते हैं कि मार्च में तो बर्फ होगी नहीं, बट बहुत बर्फ़ है, उतरते वक्त तो बहुत स्लिपरी है। अभी कोई अंकल बता रहे थे कि गिरे थे और उनका घुटना पूरा छिल गया।
अभी बताओ जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है ऐसे जूते? कभी भी आप कोई ट्रैक करो तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके शूज जो आपको फिसलने से और हर जगह से आपको बचाएंगे। तो शूज़ जो है ना उस पर हमेशा आप कोई भी ट्रैक करो या कहीं पे भी जाओ शूज़ पे खर्चा करो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। आप पैर फिसल सकता है, आपका मुंह को लग सकता है, या फिर आप खाई में भी गिर सकते हो। बट मेरे साथ गौरव भाई थे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के चढ़ाया ऊपर, उनकी वजह से मैं चढ़ पा रहा हूँ चंद्रशिला, वरना शायद ही मैं कर पाता आज। मैं नीचे से ही तुंगनाथ करके मैं रिटर्न जाने की सोच रहा था। थैंक यू गौरव भाई, मोस्ट वेलकम। मेरे ये जूते हैं और बहुत अच्छी ग्रिप है, ये है डिकैथलॉन के केचुआ एंड आई थिंक ऊपर चंद्रशिला तक पूरा अच्छा ग्रिप दिया ये जूता, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से चढ़ गए। उतरते वक्त थोड़ा स्लिपरी था पर ठीक है, आराम से मैनेज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति। और एक और मेरे को किसी ने एक चीज़ बताई कि यहाँ पे कोई कोरोना का केस भी नहीं है, इवन लास्ट साल से कोई केस नहीं आया है यहाँ पे। सो कोविड फ्री, पॉल्यूशन फ्री और टेंशन फ्री, सब फ्री। खाने का चेक कैसा लगता है वैसे, रहने का भी, रहने को लॉज है। मैंने कल एक छोटा सा लॉज लिया था 500 रुपये का कमरा, गद्दे हैं, ठीक है, मैनेजेबल है। तो अभी तो सब खाली ही पड़ा है तो कोई बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, सब रैंडम ही है। अब देखते हैं, अभी नीचे जाके मेरा प्लान है देवरिया ताल में कैंपिंग करने का, फिर देखते हैं यहाँ से कैसे व्हीकल वगैरह क्या मिलता है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या करूँगा आगे। मेरा यहाँ रुकने का मन नहीं है, देवरिया ताल बहुत सुना है, किसी ने बोला है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर एस्टेब्लिश कैंप्स भी हैं और कुछ एक कैंप आपको ऑर्गेनाइज भी करके देते हैं। तो ये देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ से चोपता से सरी विलेज जाऊँगा, सरी विलेज करीब करीब 15-20 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से। वहाँ से फिर और 3 किलोमीटर का ट्रैक है टू देवरिया ताल। दो हजार रुपया अभी तो दिया है उसको, लोग तो चल है जब खड़े हैं।